एक बार की बात है, एक गांव में एक संभ्रांत परिवार रहा करता था। परिवार में पिता, उनका एक पुत्र और धर्मपत्नी थी। सभी संभ्रांत परिवारों की तरह पिता भी यह चाहता था कि उसका पुत्र जीवन के सच्चे आदर्शों को सीखे। वह लोगों के बीच में जाति, धर्म या कलर के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद ना करे। क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था, तो जब कभी भी पुत्र अपने पिता से कुछ भी चीज मांगता, पिता उसे सहसा ही वह चीज दिलवा देते थे। एक बार की बात है, पिता अपने पुत्र को लेकर एक गांव के भ्रमण पर निकलते हैं। वह यह चाहता था कि उसका पुत्र देखे कि कोई कितना गरीब हो सकता है। जब पिता और पुत्र उस गांव पहुंचते हैं, तो वह पूरा दिन एक गरीब परिवार के साथ व्यतीत करते हैं। पिता यह पाता है कि उसका धनाढ्य पुत्र उस परिवार के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहा है। यह देखकर वह पिता बहुत ही आश्चर्यचकित किंतु बहुत प्रसन्न होता है। दिन समाप्त हो जाता है, पिता और पुत्र वापस लौटने लगते हैं। वापस लौटते वक्त पिता अपने पुत्र से पूछते हैं कि बेटा, यह यात्रा तुम्हें कैसी लगी? तब पुत्र कहता है कि पिताजी, यह यात्रा मेरे जीवन की एक बहुत ही सुखद यात्राओं में से एक रहेंगी। पिता अपने पुत्र से पूछते हैं कि बेटा, तुमने आज क्या क्या सीखा? तब पुत्र जवाब देता है, पिताजी, मैंने आज ये देखा कि हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास चार कुत्ते थे। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है नहाने के लिए, किंतु उनके पास एक बहुत बड़ी नदी है। हम अपने लिए अनाज खरीदते हैं और वह सभी के लिए अनाज उगाते हैं। हमारे घर में बहुत सारी लाइट है उजाला करने के लिए, किंतु उनके पास तो पूरा आसमान है, वो भी सितारों से भरा हुआ। हमारे पास कुछ दीवारें हैं जो हमारे घर की और हमारी सुरक्षा करती हैं, किंतु उनके पास तो कितने सारे दोस्त हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। हमारे पास एक टेलीविजन है जिससे हम अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, किंतु उनके पास तो कितने सारे परिवार के सदस्य हैं जिनके साथ वह रियली एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे पास बहुत सारा पैसा है जिससे कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं, किंतु उनके पास तो भगवान है जो उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। पिता अपने पुत्र की इस बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है और उसके पास कुछ भी नहीं रहता कहने के लिए। आगे पुत्र कहता है, पिताजी, आज मैंने जीवन का अपना सबसे बड़ा अध्याय यह सीखा कि हम आज के जीवन में कितने गरीब हैं और वह लोग कितने अमीर हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह संदेश देती है कि पैसा ही एक चीज नहीं है जो हमें अमीर बनाती है। हमारे जीवन की साधारणता, हमारे जीवन में कितना प्यार है, हम लोगों के प्रति कितना लगाव रखते हैं, हमारे कितने दोस्त हैं, हम कितना समय अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाते हैं और हमारे लोगों के साथ किस प्रकार का संबंध है, ये सभी हमें वास्तविक रूप से अमीर बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पैसे के अलावा इन चीज़ों को भी आज से अपने जीवन में महत्व देंगे और इन्हें एकत्र करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।